दोस्तों नए नए जो जितने भी छोटे छोटे चैनल बनाया है तो ज्यादातर छोटे चैनल इसलिए ग्रो नहीं होता है क्योंकि असलियत उसको पता ही नहीं है कि मैं अपने चैनल पर 1 से 3 मिनट का वीडियो अपलोड करूं या फिर 8 से 10 मिनट का वीडियो अपलोड करूं। YouTube हमारे कौन से वीडियोस को प्रमोट करेगा? क्या 1 से 3 मिनट का वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा या 8 से 10 मिनट का वीडियो को ज्यादा प्रमोट करेगा? और इसलिए जो कि नए नए छोटे छोटे क्रिएटर को पता ही नहीं होता है, जिसके कारण वो अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाता है और उसके चैनल पर ना कोई वीडियो वायरल होता है ना उसके चैनल पर कोई वीडियो चलता है, यानी कि व्यूज ही नहीं आता है। वो होता है क्या है, जब वीडियो अपलोड करता है तो किसी वीडियो पर 7 व्यूज, किसी में 8 व्यूज, किसी में 15, किसी में 20, और उसके बाद क्या होता है, उसका व्यूज आना बंद हो जाता है। और इसका रीजन यही है क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैं अपने चैनल पर कितना वीडियोस का, मतलब कितना मिनट का वीडियो अपलोड करूं। क्या हम 3 मिनट का वीडियो डालूं, 4 मिनट का डालूं, 5 मिनट का डालूं या फिर 8 से 10 मिनट का डालूं, उसको पता ही नहीं होता है, जिसके कारण उसका वीडियो नहीं चलता है। क्योंकि ये तो सच बात है कि YouTube आपके कुछ मिनट का जो भी वीडियो होता है जो प्रमोट करता है, लेकिन कुछ मिनट का वीडियो प्रमोट नहीं करता है। लेकिन वो कौन सा है दोस्तों, आपको पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको अपने चैनल में कितना मिनट का वीडियो ज्यादा अपलोड करना चाहिए। अगर आपका चैनल बिल्कुल नया है तो क्या आपको 1 से 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना चाहिए या फिर 8 से 10 मिनट का वीडियो अपलोड करना चाहिए। क्योंकि कुछ यूट्यूबर, कुछ बड़े बड़े क्रिएटर आपको यह भी बताया है कि अगर आपका चैनल बिल्कुल नया है, छोटा चैनल है, तो आप अपने चैनल में 1 से 3 मिनट का वीडियो डालो तो आपका चैनल पर जल्दी वीडियो वायरल होगा, जल्दी आपका चैनल ग्रो होगा। और कुछ क्रिएटर आपको यह भी बताया होगा कि 8 से 10 मिनट का वीडियो डालो तो आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा। लेकिन असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, YouTube कौन से वीडियोस को प्रमोट करता है, आज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपको अपने चैनल में कितने मिनट का वीडियो ज्यादा डालना चाहिए जिससे आपका चैनल जल्दी बूस्ट होगा, जल्दी आपका चैनल ग्रो होगा। और मैंने अपने चैनल में किस प्रकार से काम किया था, जब मेरे चैनल पर 25 सब्सक्राइबर था, कभी 25,000, कभी 10,000, कभी 15,000 सब्सक्राइबर था, तो मैं उस टाइम कैसे काम करता था अपने चैनल पर, क्या ज्यादा मिनट का वीडियो डालता था या फिर कम मिनट का वीडियो डालता था। तो यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने YouTube एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। अब मेरा चैनल अगर ओपन किया हो तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा वीडियो दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, ये वीडियो देखो मेरा कितना मिनट का है, ये वीडियो देखते 14 मिनट 15 सेकंड का वीडियो है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये क्या है, 9 मिनट 31 सेकंड का वीडियो है। यहाँ पर देखो ये वाला वीडियो कितना है, 5 मिनट 51 सेकंड का वीडियो। और यहाँ पर देखो 7 मिनट 36 सेकंड का वीडियो, और यहाँ पर 8 मिनट 28 सेकंड, 9 मिनट 44 सेकंड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो देखिए मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब ये जरूरी नहीं कि मैं अगर 10 मिनट का 15 मिनट का डाल रहा हूं तो आपको भी 10 मिनट 15 मिनट का डालना है, क्योंकि आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बेस नहीं है। हो सकता है कि मैं अगर जैसे कि 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट का भी वीडियो बनाऊंगा तो मेरा वीडियो उसको देख लेगा, क्यों देख लेगा, क्योंकि मेरा ऑडियंस बना हुआ है, मेरा ऑडियंस बना हुआ है, मेरा सब्सक्राइबर बना हुआ है। लेकिन आपके पास तो ऑडियंस नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, आपके चैनल में हो सकता है कि 50 सब्सक्राइबर होगा, किसी का 500 होगा, किसी का 200 होगा, आपका ऑडियंस तो नहीं बना है, तो आपको कितना मिनट का वीडियो बनाना चाहिए वो चीज आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। और कितना मिनट का वीडियो YouTube प्रमोट करता है, जल्दी उसको बूस्ट करता है, जल्दी उस वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करके वायरल कराता है, वो चीज बताऊंगा। और यहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया कि मैं अपने चैनल पर कभी 15 मिनट का भी डाल देता हूँ, कभी 9 मिनट का भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऊपर यहाँ पर मैं पॉपुलर पर निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं पॉपुलर वीडियो आपको दिखाता हूँ कि मेरा कितना मिनट का वीडियो था। तो यहाँ पर देखो मेरा पॉपुलर वीडियो, यहाँ पर देखो ये वीडियो कितना का है, 20 मिनट 19 सेकंड का वीडियो है, देखो वायरल है ना, 4.6 मिलियन व्यूज गया है, यानी कि 46 लाख व्यूज गया है 20 मिनट का वीडियो से। तो जो क्रिएटर आपको बताता है कि 1 से 3 मिनट के बीच में वीडियो बनाना, तो बताइए ये वीडियो मेरा वायरल होता है, नहीं होता। और उसके बाद यहाँ पर तो ये वीडियो कितना है, 11 मिनट 55 सेकंड का वीडियो है, 12 मिनट 13 सेकंड का वीडियो है, 14 मिनट का वीडियो है, 6 मिनट का वीडियो है, फिर भी वायरल हुआ है यहाँ पर देखो। और उसके बाद यहाँ पर 20 मिनट का वीडियो है, वायरल हुआ है। तो ये तो हो गया मेरे चैनल का बात, लेकिन आपके चैनल में कौन सा वीडियो चलेगा। और एक चीज यहाँ पर देखो, 1 साल पहले मैंने इसको अपलोड किया हूँ, 1 साल पहले इसको भी अपलोड किया हूँ, यहाँ पर तो ये कितना दिन पहले, 3 साल पहले मैंने डाला था अपने चैनल पर, 3 साल पहले जब मेरे चैनल पर कितना सब्सक्राइबर होगा, 50,000 40,000 सब्सक्राइबर होगा, उस टाइम मैंने डाला था 6 मिनट का वीडियो और मेरा वायरल हुआ था, 2.3 लाख व्यूज, 23 लाख व्यूज गया है 6 मिनट का वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। अब ये तो हो गया मेरे चैनल का बात, लेकिन आपको आपको कितना मिनट का वीडियो डालना है जो कि YouTube आपके वीडियोस को प्रमोट करेगा, यहां पर देखिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले अपना नोट्स को ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर देखो अब मैं बताता हूं कि आपको क्या इसको चूज करना है या फिर इसको चूज करना है, क्या 1 से 3 मिनट का वीडियो डालना है या फिर 8 से 10 मिनट का वीडियो डालना है। तो यहां पर देखो, अगर आपका चैनल बिल्कुल नया है और यहां पर देखिए आपको कौन सा डालना है और कौन सा YouTube प्रमोट करेगा, दोनों बताऊंगा। तो यहां पर देखिए, अगर आप 1 से 3 मिनट का वीडियो डालते हो, जैसे कि आपके चैनल में अभी 50 सब्सक्राइबर है, ठीक है, 50 सब्सक्राइबर है, 50 से लेकर या फिर 0 से लेकर अगर आपके चैनल में 2000 सब्सक्राइबर है, ठीक है, 2000 सब्सक्राइबर है, तो आपको मेरा रिकमेंड क्या है पता है,
आपको भी अच्छी से वीडियो बनाना नहीं आता है तो पहले कोशिश करो एक से तीन मिनट चार मिनट आदि की, यहाँ पर देखिए दो मिनट का वीडियो बनाओ, पांच मिनट का बनाओ, छह मिनट का बनाओ, चार मिनट का बनाओ, इस प्रकार से आप वीडियो बनाओ पहले, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, लेकिन अगर आपके चैनल पर जब ये सब्सक्राइबर बेस जब ज्यादा हो जाता है 2000 से 4000 5000 या फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है वीडियो बनाने का, आप बिना हिचकिचाहट का, जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूं बिना कोई डर का, अगर आप अच्छी वीडियो बना सकते हो और अच्छी तरह से बोल पाते हो तो फिर क्या करो। और अगर आपके पास लोगों को समझाने के लिए ज्यादा टाइम है, जैसे कि कुछ लोग क्या होता है कि दो मिनट बताता है उसके बाद उसके माइंड में कोई सवाल ही खत्म हो जाता है, क्या बताने वाला है नहीं बताने वाला उसके माइंड में खत्म हो जाता है, तो वैसे अगर आप आदमी हो तो आपको क्या करना चाहिए, दो मिनट का, तीन मिनट का, चार मिनट का, पांच मिनट का, छह मिनट का वीडियो बना सकते हो। और रही बात वीडियो वायरल होने का, तो ये भी वीडियो वायरल होगा, ये भी वायरल होगा। लेकिन अब दोस्तों यहां पर देखो, अब देखिए फिर ये भी वीडियो ज्यादा प्रमोट करता है यूट्यूब, आठ से दस मिनट का इसको भी ज्यादा प्रमोट करता है, इसको भी ज्यादा प्रमोट करता है, लेकिन किस किस कंडीशन में वो चीज पहले समझो। तो यहां पर देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए यूट्यूब पर एक टॉपिक है, यहां पर लेते हैं यूट्यूब चैनल कैसे बनाया। अब इस टॉपिक पर अब क्या हुआ, दो बंदा ने वीडियो बनाया, मान लीजिए दोनों नया यूट्यूबर था, ये भी नया यूट्यूबर है, यहां पर देखिए एक नया यूट्यूबर ये भी है और ये भी एक नया यूट्यूबर है, ठीक है। अब इसके चैनल पर कितना सब्सक्राइबर, इसके चैनल पर मान लीजिए 2000 सब्सक्राइबर है, इसके भी चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर है, ठीक है, इसका भी 2000 सब्सक्राइबर है। अब क्या हो रहा है पता है, अगर ये भी बनाएगा इस टॉपिक पर ना, एक वीडियो इसने बनाया, ठीक है, और ये बनाया कितना पता है, ये बनाया चार मिनट का वीडियो, और ये भी बनाया, ये भी बंदा एक वीडियो बनाया इसी टॉपिक को लेकर, अब ये बनाया कितना पता है, आठ मिनट का वीडियो, आठ मिनट का वीडियो। अब दोस्तों यहां पर देखिए, मान लीजिए इसके वीडियोस को लोग, इसके वीडियोस को लोग तीन मिनट तक देख रहा था, तीन मिनट तक देख रहा था, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका वीडियो आठ मिनट का है, इसका वीडियोस को लोग कितना देख रहा है, इसका वीडियो को भी तीन मिनट देख रहा है लोग, तीन मिनट देख रहा है। अब यहां पर देखिए क्या होगा पता है, यहां पर इसी का वीडियो वायरल होगा, चार मिनट जो वीडियो है ना, इसी का वीडियो टॉप में रैंक करेगा। अब क्यों पता है, क्योंकि इसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा खासा आ रहा है, ऑडियंस रिटेंशन, और प्लस में इसका आठ मिनट का वीडियो है, इसका तीन मिनट का वीडियो है, फिर भी इसका तीन मिनट देख रहा है, तो इसका वीडियो वायरल हो जाएगा, इसका वीडियो टॉप में आएगा, बाकी उसका सेकंड में थर्ड में इस प्रकार से आएगा। लेकिन यहीं पर अगर इसका वीडियो को लोग अगर यहां पर छह मिनट देखना वॉच करना स्टार्ट कर दिया, अगर जैसे कि तुम्हारा चार मिनट का वीडियो था, अब चार मिनट में लोग तीन मिनट देख रहा है या फिर साढ़े तीन मिनट भी देख रहा है, लेकिन इसका वीडियो क्या हो रहा है, लोग छह मिनट देख रहा है, छह मिनट देख रहा है, सात मिनट देख रहा है, तो अब किसका वीडियो ऊपर जाएगा, इसका वीडियो ऊपर जाएगा, इसका वीडियो नीचे चल जाएगा, तो ऐसा ही काम करता है। अब देखिए मतलब होता क्या है, आपको यह देखना होगा, ठीक है, यहां पर देखिए वीडियो ड्यूरेशन से मतलब नहीं है, लेकिन एक बात है कि ज्यादातर वीडियो जो कि 8 से 10 मिनट का जो होता है, 8 से 10 मिनट का वीडियो जो होता है उसको ज्यादा प्रमोट करता है यूट्यूब। अब क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि किसी ने मान लीजिए सेम टॉपिक पर अगर कोई 4 मिनट का बनाकर रखा है तो खूब से खूब ज्यादा देखेगा इसके वीडियो को, कितना देखेगा लोग, 3 मिनट देखेगा, 3 मिनट वॉच करेगा। लेकिन अब कोई 8 मिनट का वीडियो अगर बनाकर रखा है, 10 मिनट का वीडियो बनाकर रखा है, तो इसका वीडियो को लोग 6 मिनट तक भी देख सकता है, 5 मिनट तक भी देख सकता है। अब इससे ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन इस पर आ रहा है तो ये वीडियो को ज्यादा यूट्यूब प्रमोट करेगा। लेकिन वहीं पर अगर इसका 10 मिनट का वीडियो है, इसका 4 मिनट का ही वीडियो है ना, अगर 10 मिनट वाला कोई अगर 2 मिनट वॉच कर रहा है, इसका वीडियो अच्छा नहीं बना, लोग 2 मिनट वॉच कर रहा है, अब इसका वीडियो अच्छा बना है लेकिन इसने 4 मिनट बनाया है, लेकिन इसका वीडियो को लोग 3 मिनट देख रहा है, तो इसी का वीडियो टॉप में रहेगा, 4 मिनट वाला वीडियो टॉप में रहेगा। तो लोग इसलिए लंबा वीडियो बनाता है कि अगर वीडियो थोड़ा खराब भी बने ना, लोग अगर ज्यादा वॉच कर ले, मान लीजिए इसका 3 मिनट देख रहा है, अगर मेरा वीडियो 10 मिनट का है, अगर 4 मिनट लोग देख रहा है ना, तो इसका वीडियो फिर टॉप में चल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन वहां आ रहा है, इससे ज्यादा वॉच टाइम वहां पर मिल रहा है, और यूट्यूब भी उसको प्रमोट करेगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ ऐसे ही काम करता है कि यहां पर देखिए ये मैटर नहीं करता है कि आप अपने चैनल में कितने मिनट का वीडियो डाल रहे हो, क्योंकि आप लोग देखे होंगे बहुत सारा वीडियो ऐसा भी होता है जो कि वीडियो 3 मिनट का होता है, वीडियो 3 मिनट का होता है, ठीक है, बहुत सारे वीडियो ऐसा 3 मिनट का होता है, लेकिन उस वीडियो पर कोई ऐसा वीडियो होता है जिस पर 10 मिलियन व्यूज होता है, 10 मिलियन 50 मिलियन इस प्रकार से व्यूज होता है। तो वहां पर देखिए जो आपको कुछ क्रिएटर आपको बताया है कि आप 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाओ आपका वीडियो वायरल होगा, कोई बताया है 8 से 10 मिनट का बनाओ आपका वीडियो वायरल होगा, 15 से 20 मिनट का बनाओ वायरल होगा, ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ऑडियंस रिटेंशन पर, आपकी वीडियोस को लोग कितना वॉच कर रहा है। अगर आपने एक वीडियो बनाया है जैसे कि यहां से आपका इतना लंबा वीडियो का ड्यूरेशन है, ठीक है, ये वीडियो कितना है 12 मिनट का वीडियो है, ठीक है 12 मिनट का वीडियो है, लोग कितना वॉच कर रहा है, अगर आपके वीडियोस को लोग यहां तक देखकर और भाग जा रहा है, आपका वीडियो वायरल होगा, कभी नहीं वायरल होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके वीडियोस को लोग यहां तक देख रहा है, कम से कम यहां तक देख रहा है, अब यहां तक देख रहा है, अब यहां पर मैटर करेगा आपका वीडियो कितना व्यू जाएगा, कितना लोगों के पास पहुंचेगा, कितना ज्यादा व्यू जाएगा, मिलियन में व्यू जाएगा या फिर लाखों में व्यू जाएगा या फिर हो सकता है आपके वीडियोस में करोड़ों में व्यू जाएगा, वो मैटर करेगा आपके क्या
यहां तक लोग देख रहा है या फिर यहां तक देख रहा है या फिर यहां तक देख रहा है। अगर आपके वीडियोस पर यहां पर वॉच कर रहा है यहां तक लास्ट तक देख रहा है तो हो सकता है आपके वीडियोस में करोड़ों में व्यू जा सकता है। लेकिन अगर कोई यहां तक वॉच कर रहा है तो आपके वीडियोस में मिलियन में व्यू जा सकता है। लेकिन कोई अगर यहीं तक देखकर जा रहा है हो सकता है आपके वीडियोस में लाखों में व्यू जाकर रुक जाए। लेकिन यहीं से यहां तक देख रहा है तो फिर क्या होगा, आपके वीडियोस पर व्यूज ही नहीं आएगा। अगर आपका सारे वीडियोस पर 50 व्यू जा रहा था ना तो उस वीडियोस पर 40 में रुक जाएगा, 40 व्यू 30 व्यू जाएगा, आपका वीडियो बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर यहां तक देख रहा है ये वीडियो आपका वायरल होने का चांस बढ़ जाता है, वायरल हो जाएगा, 100% वायरल हो जाएगा। अगर आपका थंबनेल भी सही है, टाइटल टैग एसईओ वगैरह भी सही करके रखे हैं तो ये वीडियो 100% आपका रैंक कर जाएगा। तो ये प्रोसेस से वीडियो वायरल होता है, जो कि कुछ क्रिएटर आपको बताया है कि 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाना वायरल होगा, 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाना वायरल होगा, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है, कब करता है, जब मान लीजिए किसी कीवर्ड में आपको अपने वीडियोस को रैंक कराना है, टॉप में रैंक कराना है, अगर पहले से वहां पर 10 मिनट का वीडियो मौजूद है, सबसे टॉप में रैंक कर रहा है, तो 10 मिनट का वीडियो है तो वहां पर आप 15 मिनट का बनाओ, 12 मिनट का बनाओ, 14 मिनट का बनाओ, और अपने वीडियोस को अगर उसके वीडियोस को लोग 4 मिनट वॉच कर रहा है तो अपने वीडियोस को आप 7 मिनट वॉच कराओ, 5 मिनट वॉच कराओ, 100% उसका वीडियो नीचे आ जाएगा, आपका वीडियो ऊपर चल जाएगा। और यही मैटर करता है, बाकी जो कुछ क्रिएटर आपको बताया है ना 1 से 3 मिनट बनाओ, 5 से 10 मिनट बनाओ, कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मायने नहीं रखता है। मायने वही रखता है कि जो वीडियो रैंक कर रहा है उनसे ज्यादा अगर आपके वीडियोस को वॉच कर रहा है आपका वीडियो 100% टॉप पे चल जाएगा। तो अगर आपका डाउट खत्म हो चुका है वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टा पर फॉलो नहीं किया इंस्टा पर फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।